श्री मनिंदर सिंह जी बेटा, मैं इस सभागार की तरफ से आपका नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। शत रोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी। आदरणीय पटेल साहब, लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार से, जिनका मुझे हुक्म हुआ मैं आपके पास हाजिर हुआ, आज के दौर के अंदर 70-80% तो झूठ है जो मैंने अपनी जिंदगी की इतने इतने बम्बों से मौत को गले बार बार लगा करके जो जीवन को सच किया है, सच्चाई कम होती है। तो मुझे पता था यहां सच्चाई होगी, किसी भी तरीके से पहुंचूंगा जरूर और बोलूंगा भी। यह भी पता चला कि गुजरात और राजस्थान मिलकर के कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं, जहां गुजरात का नाम आ जाए और राजस्थान का नाम आ जाए और महाराष्ट्र की देशभक्ति आ जाए, तो इनके जो संस्कार है, स्टेटों के संस्कार, उनके आगे मेरा सिर झुक जाता है। क्योंकि जिस मूल के अंदर संस्कार टूट जाते हैं, संस्कृति टूट जाती है, नए युग की तरफ चल पड़ते हैं, मॉडर्न युग की तरफ चल पड़ते हैं, वो राष्ट्र कभी लंबा सफर नहीं करता है। और जिस देश के अंदर संस्कार और संस्कृति, पुराना इतिहास, चाहे करोड़ों अरबपति लोग बन जाए, वो अपने पुराने संस्कारों में रहते हैं, वो देश कभी टूट नहीं सकता, उस राष्ट्र की तरफ कोई देख नहीं सकता। ये मैंने देखा है। अभी मैं महीना पहले उन्होंने मुझे बुलाया, 450 बेटियों की अलग अलग धर्म और मजहब के उन बच्चों की शादी कराई, शादी दिखावे के लिए नहीं। आजकल शादियां होती हैं, शहीदों को पैसे बांटे जाते हैं, सिर्फ फोटो पॉलिटिक्स होती है, टोटल ड्रामा होता है, दिखावा होता है। 10-10 लाख एक परिवार को गाड़ी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी परंपरा के मुताबिक लाखों की भीड़ मैंने देखी, उसको कहते हैं संस्कृति, उनको कहते इतिहास। बहुत से लोग इस मातृभूमि पे बोझ हैं, जिनको पता ही नहीं कि मातृभूमि ने हमें दिया क्या है। क्योंकि मैंने बम्बों से, 14 बार हमलों से, मौत को इतनी बार करीब से देख करके, मेरे साथ 70 लोग शहीद हो चुके, मेरे जवान अपनी आंखों के सामने, किसी की गर्दन उठती देखी, किसी का शरीर की नस नस उठती हुई देखी, मैं उसमें बच गया। पर राजनीति मैंने इसलिए नहीं की कि मैं मंत्री बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, मैं बहुत बड़ा बनूंगा। ये मतों, धर्मों में, कास्टों में किसने बंटवारा किया? हम पॉलिटिशियनों ने बंटवारा किया, हमने वोट बैंक की खातर हमने लोगों को मतों धर्मों में बांट दिया। हमने ये नहीं सोचा कि आने वाले वक्त के लिए जो हमारी नई जनरेशन है, उसको कौन सा रास्ता देने जा रहा है, उनको क्या दिशा देने जा रहे हैं। आजादी से पहले भी पॉलिटिशियन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी
पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, सरदार पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, पर ये लोग जब घर से निकलते थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, तो ये कहते थे अपनी माँ को, माँ गोली सीने पे खाएंगे इस भारत माँ को आजाद कराएंगे, ये कहते थे। कभी उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा नहीं किया। कुछ लोग याद करें या ना करें, मौत को एक दिन आनी है, पर मातृभूमि का कर्जा कौन चुकाएगा, वो चुका के तो हमने जाना है। मैं भी आपके सामने हूं, मोनस की जिंदगी में हूं, मैं नहीं समझता कि मैं जिंदा हूं, मैं तो मर चुका, ये तो बोनस पे घूम रहा हूं, बोनस बोनस दर बोनस। मैं औरंगाबाद में था तो मेरे साथ कोई लोकल मेरा दोस्त था, तो एक पुलिस के जवान ने पूछा कि मेरी उम्र कितनी होगी, उसने कहा तू बता, तो पुलिस का जवान कहने लगा 40-42 साल होगी, कहता नहीं 1400 साल, कहता नहीं पागल हो गए, कहता उम्र की जो आखिरी होती है लास्ट 100 साल होती है, तो 14 बार हमले हो गए तो 1400 साल तो हो गए, तो मैं तो मर के बचा, मैं तो कभी जिंदा समझा ही नहीं अपने आप को, आज में तो कल जाना है। अब्दुल कलाम मुसलमान भी थे, सैसिस भी थे, बच्चों के लीडर भी थे, राष्ट्रपति भी थे, वो चले गए इस दुनिया से, पर वो अमर है, वो अमर है, क्यों? उन्होंने इतिहास बनाया अब्दुल कलाम, बुरा ना बनाना। एक और बात करूंगा, किरण बेदी आपकी हमारी महिलाओं की आदर्श, समाज बड़े कम लोगों को आदर्श मानता है, ऐसे कैसे देश चलेगा? हमको जिम्मेदारी कंधों पे, जो आप सोशल काम कर रहे हैं, आप जैसा काम इस दुनिया में कोई नहीं करता है, मैं गारंटी से कहता हूं, चंद लोग हैं गुजरात के अंदर, पूना के अंदर, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपका क्लब है, तो ये भी जिम्मेदारी को उठाइए। प्रथम रात कोई चीज बुरी लगती है, मेरी है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, किसी और पार्टी का है, मीडिया है, तो उनको क्रिटिसाइज करिए कि आपने ये गलत दिखाया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस देश के गदारों को, जो कहते हैं हम वंदे मातरम नहीं भूलेंगे, इनको मत दिखाइए, मत दिखाइए, इनको हाईलाइट मत कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका मैं बड़ा हैरान हूं, मैं इतना कैसे बोल गया, भगवान की कसम, ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्यार है कि मैं इतना बोल गया। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और मैं आखिर में पाकिस्तान के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, रोज जो हमारे पे गोलियां चलाता उसको बताना चाहूंगा, हे पाक तेरा खाक एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है। भारत मां के चरणों में, भारत मां के चरणों में शीश चढ़ाने आए थे, जितनी भी अपने पास थी वो साथ चढ़ाने आए, ये आपसे वादा करके जाता हूं, जो चांद हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जीवो में कुछ कर दिखलाने आए हैं, मन में बंदे मातरम, तन में बंदे मातरम, बहते हुए खून में बंदे मातरम, खंजरे कातल कतल कर देना हमें कभी भी, आखिर में चीख भी निकलेगी निकलेगी। और यहाँ बैठे जितने भी स्पाउसेस हैं, कम से कम जाकर अपने होटल्स का यदि चेकआउट कर लेंगे और वापस आ जाए, बहुत बड़ा ग्रुप बाहर वेट कर रहा है।
मीडियम है। राजू जी बेटा साहब, बेटा साहब, राजू जी बेटा साहब, राजू जी एक सेकंड सोनो सोनो जल्दी बच्चे आइए, बच्चे आइए, मन नहीं कर रहा फ्रेम में, बिल्कुल 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 जी फिर आप आ जाओ आओ ना बीव जी, बीव जी आओ जी बता। एक कितना फैन बोलेंगे सर आपका, देखो थैंक यू यूज फैन फॉलोइंग चल।